Morning students, today we will start the next topic, intercept form of a circle. In this case, if circle is given to you, so you can consider a circle which passing through origin and making intercept and making intercepts A and B on the coordinate axis, on the coordinate axis, then the equation of circle is, in this case, is x square plus y square माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू जीरो. बेटा ये देखो, इसमें क्या होता है, अगर आपके पास कुछ सर्कल ऐसा आ जाए कि ये ओरिजिन में से भी पास कर रहा है और ऐसा सर्कल है आपके पास. अब ये सर्कल है जो जीरो जीरो में से पास कर रहा है और यहां पे ए जीरो में से पास कर रहा है और इधर जीरो बी में से पास कर रहा है आपके पास वाई एक्सिस पे. ठीक है, आपने क्या करना है इस केस में, अगर ऐसा सर्कल है, सो इन दिस केस इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू जीरो. ओके, हाउ कैन वी गेट दिस इक्वेशन, आई जस्ट टेल यू. एज वी नो द इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. अब ये जो इक्वेशन है बेटा, ये पास किस किस में से करती है, जीरो जीरो में से और ए जीरो में से और जीरो बी में से, तीन पॉइंट्स में से पास करते हैं, सर्कल पास करता है. अब देखो सेटिस्फाई भी करेगा, पहले हम जीरो जीरो में से पास कराते हैं, जब जीरो जीरो में से पास की तो क्या बन गया, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. यहां से हमारे पास सी की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई. अब आप क्या करो, इसको ए जीरो में से पास करा दो तो इक्वेशन हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस टू जी ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. अब यहां से देखो तुम्हारे पास सी की वैल्यू क्या है, जीरो, सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू जी ए, सो जी इज इक्वल टू माइनस ए बाय टू, ये आ गई जी की वैल्यू. ओके, सिमिलरली अब इसको पास करवा दो जीरो बी में से, जब आपने जीरो बी से पास कराई तो दिस टू एफ बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, फिर यहां सी को पुट कर दोगे जीरो तो एफ आ गया माइनस बी बाय टू. अब इस सारी वैल्यूज को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स, टू माइनस ए बाय टू एक्स प्लस टू माइनस बी बाय टू वाई प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो. तो यहां से इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू जीरो. दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन इंटरसेप्ट फॉर्म. नेक्स्ट इज पैरामेट्रिक फॉर्म. पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल. पैरामेट्रिक फॉर्म में बेटा ये क्या होगा, देखो अब तुम्हारे पास अगर सर्कल है ये, ओके, अब आपके पास यहां कोऑर्डिनेट एक्सिस गिवन है, यहां पे आपके पास सर्कल गिवन है, सर्कल का पॉइंट पी ले लो जो एक्स वाई है और ये क्या हो गया आपके पास, ये चीज आ गई. ठीक है, लेट अस टेक दिस पॉइंट. अब आपने क्या किया, यहां सर्कल का सेंटर ले लिया एच के, ओके, और ये पॉइंट ले लिया एन और ये एंगल बना दिया थीटा. लेट अस टेक दिस एज दिस वन. अब देखो तुम्हारे पास क्या है, अब ये सर्कल है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स माइनस एच होल स्केयर y माइनस के होल स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर. अब जो p पॉइंट है वो किस पे है आपके पास, इस पे. p पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x y है. अब आपने क्या किया, अब आप x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, देखो ये आ गया आपके पास ये पॉइंट, ये o हो गया, इसको m ले लो, ये पॉइंट l ले लिया हमने, ठीक है, ये n हो गया एंड दिस वन इज x एक्सिस and this is x dash axis, y axis and y dash axis is there.
ओके अब देखो x कितना है आपके पास, x आपके पास ये सारा पॉइंट है, ठीक है। तो अब आपके पास x की वैल्यू कितनी होगी, ol हो गया, ol हो गया, ol को हम क्या लिख सकते हैं, om प्लस ml, ये लिख सकते हो। अब ml और cn क्या है, इक्वल है, cn की वैल्यू निकाल दो, om कितना हो गया h, और ml cn के इक्वल है, cn कितना है, cn अपॉन cp इज इक्वल टू cos थीटा, cn अपॉन cp इज इक्वल टू cos थीटा, वहां से आ गया r cos थीटा। सो x की वैल्यू आ गई दिस वन, एंड y कितना हो गया आपके पास, y देखो ये सारा हो गया lp, और lp को क्या लिख सकते हो आप, lp को लिख दोगे pn प्लस nl, तो यहां से आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, k प्लस r साइन थीटा, ओके। सो दिस इज द एक पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल फ्रॉम, और अगर आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हो तो आप इस केस में क्या लेके चलोगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल में आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इस केस में पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। सो कीप इन माइंड दिस थिंग, नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज इक्वेशन ऑफ अ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच पासिस थ्रू ओरिजन, ओरिजन में से पास कर रही है, कट ऑफ इंटरसेप्ट 3 एंड माइनस 4 फ्रॉम द एक्सिस, दैट मीन 3 0 उसका एक्स इधर है और ये 0 माइनस 4 ऑन द वाई एक्सिस, इट इज गिवन टू। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या थी आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x और इधर पुट किया 4y इज इक्वल टू 0 इज योर आंसर इन दिस केस। सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सर्कल 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बाय 4, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बाय 2 होल स्क्वायर। अब आप क्या करोगे बेटा, ये देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर के साथ कंबाइन कर दो, यहां r कितना है 3 बाय 2, एक्स कितना हो गया 3 बाय 2 कॉस थीटा और y कितना आ गया 3 बाय टू साइन थीटा, ओके। दिस इज योर पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ दिस इक्वेशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये है बेटा, इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगी, पहले इसको ठीक करके लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाते हैं, सेंट्रल फॉर्म में बना लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 ऐड करेंगे, क्योंकि देखो कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1 है, कॉफिशियंट ऑफ एक्स कितना है माइनस 2, हाफ ऑफ दैट माइनस 1, स्क्वायर ऑफ दैट 1, मतलब 1 ऐड हो गया और इधर भी, इधर हमने 1 ऐड कर दिया, ओके। अब देखो इधर y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, 4 इधर ऐड हो गया, 4 इधर ऐड हो गया, ओके। अब आपके पास इक्वेशन कैसी बन गई, x माइनस 1 होल स्क्वायर y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, तो इसको लिख दो 3 स्क्वायर, सेंट्रल फॉर्म बन गई। सो इसको कंपेयर करो, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और इस केस में क्या होती थी, एच प्लस आर कॉस थीटा, तो एच की वैल्यू कितनी होगी 1 प्लस आर कितना हो गया 3 कॉस थीटा, ऐसे ही वाई कितना होता था के प्लस आर साइन थीटा, तो आपके पास कितनी आ गई, के की वैल्यू कितनी है 2 और आर तो 3 है, दिस इज योर पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द
फॉलोइंग कर्व्स हुज पैरामेट्रिक इक्वेशन इज गिवन। अब देखो, अब आपको कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है। कार्टेशियन इक्वेशन किस में होती है? एक्स और वाई में। अब आपको गिवन है एक्स इज इक्वल टू 3 कॉस अल्फा और वाई गिवन है 3 साइन अल्फा और अल्फा लाई करता है 0 to 2π में। ओके, अब आपको क्या कह रहा है इसमें? इसमें कह रहा है कि पैरामेट्रिक निकालो। आप इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लो, आपके पास कितना आएगा? 9 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, दैट इज 1। सो 9 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इज योर आंसर इन दिस केस। अब आगे गिवन है, एक और देखो, एक्स इज इक्वल टू, अब इसमें भी कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है, 5 प्लस 3 कॉस थीटा और y इज इक्वल टू 7 प्लस 3 साइन थीटा। अब थोड़ा सा इसको ठीक करो बेटा, यहां से क्या आएगा? x माइनस 5 3 कॉस थीटा और यहां से y माइनस 7 3 साइन थीटा। स्क्वेयरिंग करो, x माइनस 5 होल स्क्वेयर प्लस y माइनस 7 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 9 कॉस के थीटा प्लस साइन। सो दिस इज योर कार्टेशियन इक्वेशन इन दिस केस। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सेज अ लाइन पासिस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट ए बी। कोई लाइन है बेटा, वो ए बी में से पास कर रही है एंड कट्स द एक्सिस इन ए बी पॉइंट पे। शो दैट द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल ओ ए बी इज ए बाय एक्स प्लस बी बाय वाई इज इक्वल टू 2 वेयर ओ इज द ओरिजिन। देखो बेटा, अब इसमें क्या होगा तुम्हारे पास? अब तुम्हें क्या कह रहा है कि कोई लाइन है पास कर रही है ए बी में से और कट कर रही है ए बी पे। दैट मीन्स ए पॉइंट आप ले लो अल्फा जीरो, यहां ए जीरो क्यों नहीं ले सकते? रीजन इज दिस कि यहां पे आपके पास ये गिवन है और बी कितना गिवन है? लेट अस टेक दिस एज 0β। ओके, अब इक्वेशन ऑफ लाइन कट्स दिस, सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी x अपॉन अल्फा प्लस y अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1। ये कहां से पास करती है? इट पासिस थ्रू ए बी, ए बी में से पास करती है, आपके पास आ जाएगा a अपॉन अल्फा b अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आपके पास इस केस में? इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा वाई इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो सेंटर क्या आएगा इस केस में? सेंटर आएगा माइनस अल्फा बाय 2 माइनस बीटा बाय। ये कहां से आया? जब आप इसको कंपेयर करोगे इक्वेशन के साथ, जनरल इक्वेशन के साथ, वहां से सेंटर क्या होता है? माइनस जी माइनस है और आपके पास यहां प्लस हो जाएगा, तो अल्फा बाय 2 बीटा बाय 2 इज योर सेंटर। ओके, अब आप क्या करो? सो नाउ पुट x इज इक्वल टू अल्फा बाय 2 एंड y इज इक्वल टू बीटा बाय 2। ठीक है, पुट कर दो तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? इसमें पुट कर दो तो अल्फा कितना हो गया 2x, a अपॉन 2x प्लस b अपॉन 2y इज इक्वल टू 1। ओके, सो यहां से देखो जब आप इधर ले जाओगे तो आपके पास आ जाएगा ax प्लस b बाय y इज इक्वल टू 2। दिस इज योर रिक्वायर्ड लोकस। ओके, इज इट क्लियर? नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज अ सर्कल ऑफ कॉन्स्टेंट रेडियस, अ सर्कल ऑफ कॉन्स्टेंट रेडियस कितना है? 3k पासेस थ्रू ओरिजिन एंड मीट्स द पॉइंट, मीट्स द एक्सेस एट पॉइंट ए एंड
बी. प्रूव दैट, प्रूव दैट द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर. बेटा अब ये देखो, अब आपको क्या कह रहा है, सर्कल ऑफ कॉन्स्टेंट रेडियस 3k पासेस थ्रू ओरिजिन एंड मीट्स था. पहले आप क्या करो, ओरिजिन और इनमें से पास करता है इक्वेशन लिख दो सर्कल की. इस केस में इक्वेशन क्या आ जाएगी, माइनस ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0. अब इसका रेडियस निकालो कितना आएगा, ए स्क्वायर बाय 4 प्लस बी स्क्वायर बाय 4. ये किसके इक्वल गिवन है, 3k के. यहां से कंडीशन आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 9k स्क्वायर. सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36k स्क्वायर. अब सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल क्या होगा, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी आ जाएगा ए बाय 3 बी बाय 3. ये कहां से आया, क्योंकि देखो तुम्हारे पास पॉइंट कौन कौन से, 0 0 ए 0 और 0 बी. अब इनके करो एक्स 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स 3 बाय 3 दैट इज ए बाय 3. इधर वाई 1 प्लस वाई 2 प्लस वाई 3 बाय 3 दैट इज बी बाय 3. अब क्या करो, पुट कर दो ए बाय 3 को एक्स एंड बी बाय 3 को वाई पुट कर दो. किसमें, इस इक्वेशन में. आपने जब पुट किया तो यहां से आ गया 9x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 36k² सो दैट इज x² प्लस y² इज इक्वल टू 4k² इज योर आंसर. ओके, विच इज द रिक्वायर्ड लोकस. विद दिस योर सर्कल पार्ट इज ओवर. आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू. ओके, बाय.